तो गाइस वीडियो के एंड में एक बोनस ट्रिक भी है, तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। तो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मली सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके उसे अलग कर लेना है, फिर उसी सिलेक्शन को थोड़ा एक्सपांड करके शिफ्ट प्लस बैक स्पेस शॉर्टकट का यूज़ करना है कंटेंट अवेयर फिल के लिए, ताकि इमेज से सब्जेक्ट हट जाए और सिर्फ बैकग्राउंड बचे, क्योंकि सब्जेक्ट हमने पहले ही अलग करके रखा है। और शॉर्टकट काम ना करे तो चेक कर लें कि आपकी इमेज रास्टराइज्ड हो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना हो। और बचे कुछ एक करेक्शंस आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से फिक्स कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सबसे पहले हमें गले के अराउंड एक सिलेक्शन बना लेना है, आप कोई भी शेप का बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रियलिस्टिक शेप बनाने की कोशिश करी है। फिर एक नई लेयर पर उस शेप को किसी भी कलर से फिल कर देना है। इतना हो जाने के बाद सब्जेक्ट की एक कॉपी बना लें और बनाए हुए सब्जेक्ट के मुताबिक एक सब्जेक्ट से हेड हटा दें और एक सब्जेक्ट से बॉडी, और इसी के साथ सब्जेक्ट की बॉडी और हेड अलग अलग हो जाएंगे। अब हमें थोड़ी पेंटिंग करनी है, तो सबसे पहले एक नई लेयर बना लें और उसे स्किन से एक डार्क कलर पिक करके भर दें और हमारी शेप लेयर से इस नई लेयर को क्लिप कर दें, ताकि जो कलर है वो शेप से बाहर ना जाए, सिर्फ शेप पे ही असर करे। फिर स्किन को थिकनेस देने के लिए शेप के सिलेक्शन को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जितनी थिक स्किन आपको चाहिए उतना कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उसे एक नई लेयर पर लाइट स्किन कलर से फिल कर दें। याद रखें कि ये लेयर भी क्लिप्ड हो। उसके बाद हम सिर्फ थोड़ी शेडिंग करेंगे, और अगर आप भी बॉडी को खोखला दिखाना चाह रहे हैं तो होल की गहराई में डार्क कलर कर दें, ताकि गहराई थोड़ी समझ में आए। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस अब बोनस ट्रिक की बात करें, तो बोनस ट्रिक सिंपल है। अगर आप अपनी इमेज को थोड़ा और इन्हेंस करना चाहते हैं या थोड़ा और कूल दिखाना चाहते हैं, तो आप अपना मनपसंद लोगो, सिंबल या फिर अपना नाम कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसमें हाइलाइट्स और शेडोज की मदद से और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि हाइलाइट्स या फिर शेडोज किस तरह से ऐड करते हैं, तो ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए एक बार। और अगर आपको किसी भी इमेज के बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, तो सिंपली कंट्रोल होल्ड करके उस लेयर के थंबनेल पे लेफ्ट क्लिक कर दें।